पश्चात नित्य विलापकृतम विष्णुपाद अष्टोत्तर सप्तति श्रीमान भूत श्रीनाम स्वामी महाराज श्री एवं मंचस्थ विराजमान शनासीवृंद एवं उपस्थित वैष्णव वैष्णववृंद महाशय भूतगत सज्जनवृंद सभी को चरण कमलों में विराज था बहुत आनंद की बात है। हम लोग इस कार्तिक महीने में पूजा व्रत में नियम सेवा व्रत में जगन्नाथ पुरी की हम लोग जहाँ विश्वनाथ भवन में जहाँ शंकर देव विराजमान हो करके यह समस्त कृष्ण के अनेक प्रकार के जो बाल चरित्र लीला कथा आदि से चतुर्थ श्लोक की कुछ ऊपर कुछ प्रकाश डालने के लिए वरम देव नमोक्षण नचांगदम से बहुनाथ गोपाल बालम सदा में मनसा विराजतम इसमें सप्तप्रत मुनि भाव की ऐसे सुंदर उद्गार करते जा रहे हैं। जितने परिमाण ऐश्वर्य भाव कम होते हैं उतना ही परिमाण साधक के हृदय में माधुर्य भाव अधिक होते जाए। श्री कृष्णनाथ चक्रवर्ती पाद और श्री कृष्ण पाद टीका में सुंदर लिखते हैं जो वस्तु जितने तरल होता है उस वस्तु में हम लोग भाव को जल्दी ही प्रवेश करा सकते हैं और जो वस्तु जितना परिमाण घन और कठिन होता है उस वस्तु में प्रवेश में कठिन हो जाता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं जल तरल तरल पदार्थ है एक वस्तु जल में आप अति सहज रूप में हाथ प्रवेश करा सकते हैं और एक लकड़ी जो है उसमें तो हाथ की पापा छोड़ दीजिए एक कील गाड़ने भी कष्ट होता है किंतु कील तो गाड़ी ही रहेगा लकड़ी में किंतु पत्थर में कील लगाने के लिए आपको ड्रिल करना पड़ेगा जाएगी। ठीक उसी प्रकार वस्तु की घनत्व यानी प्रेमों की घनत्व के अनुसार ही साधन वह वस्तु के उसी प्रकार आस्वादन करते हैं अर्थात ऐश्वर्य वस्तु के तरल होने से नाते हो जाता है प्रवेश हो जाता है। समझ सकते हैं भगवान की ऐश्वर्य लीला की कथा किंतु जितनी प्रेम की घनत्व आदि बढ़ते जा रहे हैं जहां पर भगवान मनुष्य के भांति लीला आदि करते जा रहे हैं तो उसमें प्रवेश कितनी सहज नहीं होता। हम लोग की बात छोड़ दीजिए ब्रह्मा जी बड़े बड़े लोग भी कृष्ण के ऐसे ऐसे लीलाओं के देख करके लीला के वर्णन देख करके वो लोग भी चक्कर आ जाते इसमें इसी चक्कर में आ जाते मधुरया गिरा फल्क पाया बुधो मन गया पुष्प एक क्षण तुम्हारे ऐसे सुंदर जो प्रभुण के जो बात और तुम्हारे ऐसे सुंदर लीला भी जो है हम लोग भी छोड़ दीजिए विधि गरीब ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता लोग भी जितने घनत्व प्रेम की घनत्व प्रेम की घनत्व सरल प्रेम के कारण हो जाता है तो ऐश्वर्य कुछ भी आ जाता है और प्रेम जितना ही घनत्व होते जाएगा उतने ही माधुर्य की बुद्धि आती जाए। एक श्री चक्रवर्ती पाद और श्री कृष्ण पाद की टीका में वर्णन हुआ है। अभी हम लोग काल हम लोग बाल गोपाल की कुछ कथा हम लोग श्रवण किया जिसमें स्वयं भगवान होते हुए पर भी कैसे कैसे लोग लीला कर मनुष्य वहां की कैसे लीला दिखा दें जिससे साधारण लोग भी समझ नहीं पाते तो ज्ञानी लोग भी समझ नहीं पाते विशेष करके अत्र के बाद ही लोग
वो लोग कहते वो तो केवल ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। यहाँ तक कि कोई आर्य समाज के लोग भी कहते भगवान के खाते न पीते हैं न भगवान के विग्रह मंदिर में ठाकुर जी के इतने भोग लगाते हैं वो तो ठाकुर जी भी खाते हैं भाई। हम लोग खा खाने के बाद कुछ समय के बाद क्या करते हैं छठी किसान में जाते तो तुम्हारे मंदिर में जो कहाँ है छठी बाथरूम कहाँ है। गुरुदेव के साथ हम लोग मथुरा में घर में प्रवचन करके गुरुदेव के साथ गए थे एक आर्य समाजी जो है गुरुदेव साथ भिड़ गए तो यही प्रश्न उठाया गुरुदेव का आगे तो कहने लगे भगवान कहाँ पेशाब करते हैं और कहाँ पायखाना करते हैं। गुरुदेव कहते तेरे मुख में आते तेरे मुख में पेशाब करता है तेरे मुख में छठी करते मेरे ख्याल है तो आर्य समाज भगवान की भगवान करते हैं पायखाना नहीं करते फिर कहता है विश्राम टीका में कहते हैं कृष्ण जब जिस घर गोपी के घर में जाते हैं जिस गोपी के घर में अच्छी मक्खन नहीं है तो उस घर में क्या करते हैं टट्टी पिशाब कर देते हैं टीका में करते हैं याद है मेरे दोनों
तक दामोदर बस से शुरू कर 25 दिन तक मेरे याद है घर को अपने सुपरी पर रखता हूँ उसी के समय 25 दिन तक ये मार लेंगे अनेक और जगह दिखो दे बंद करते 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 सर चल गया ये बांध दिया तो हो गया है बांध दिया बंधन इतना सहज नहीं तथा भी इतने कुछ बंधन करते करते याद है कितने साल साल इसको बाहर लेकर था तुमने एक दिन में बस बाहर लेकर को समाप्त कर दिया है और तुमने कोई बांध भी दिया मेरे याद है बोले बांध दे 25 दिन तक बोले बांध दे थे है सब हो गया ये बात तब हम लोग समझ के बाद में सर और फिर आगे भी कथा गोल्डन में ना जी और कोई प्रसंग भी लिया जाएगा इसलिए मेरे घर से जो है संसार मगर इसलिए से व्यवस्था करता है यहाँ पर से कृष्ण के क्या तमोगर का वो यहाँ पर समाप्त करके गोवर्धन में जब जाएंगे सर और कोई विषय भी जो है आलोचना करेंगे ठीक है कोई बात ये बात आगे सत्तर प्रथम उनके हृदय में इतने भाव उत्पन्न हो गया और कहते दस भाव के छोड़ करके सत भाव के छोड़ करके उन्होंने आगे का वासी प्रदर्शन को कितने लोग हो गया और कह दिया वरंदे बहोक्षण नमोक्षण वदेवा नचन प्रीमे अहम परिसाद वीर ईदं सिर्प पूर्णनाथ गोपाल हे भगवान आप तो परिसाद आप वर देने में समर्थ हो आप भगवान इसलिए भगवान होने के नाते आप सत्य समर्थ हो और तुम अपसुम अनथा को तुमने समर्थ सो भगवान की बच्चे जो बने वाले हैं उसको भी बिगड़ सकते हैं जो बिगड़ने वाले हैं उसको भी तो भगवान कहेंगे भगवान आप सर्वसमर्थ हो देखो ये देख आप सब प्रकार के पौर देने में संपूर्ण रूप से समर्थ इसलिए आपके निकट में यही प्रार्थना करता हूं मानो इस कथा को सुन करके स्वयं कृष्ण कहने लगे हे सत्यव्रत मुनि और मांगो क्या और मांग चाहते हो बड़े बड़े ज्ञानी लोग तो मेरे पास ही आ जाते हैं संसार के लोग भगवान की उपासना भी करते हैं क्या चाहते हैं धर्म अर्थ काम त्रिपद को चाहते हैं साधन रूप में देखा जाए इस संसार के जितने भी लोग त्रिपद को चाहते हैं धर्म संसार के हमारे नियम धर्म आदि पालन थे चार वर्णाश्रम धर्म आदि हो ब्रह्मचारी कृष्ण वानप्रस्थ और सन्नास प्राण पुत्र वैश्य सूत्र ये आश्रम तो हम लोग के वर्ण और आश्रम के नहीं चाहते इसके आगे धर्म अर्थ और इसके आगे क्या कहते हैं अर्थ आदि मिल जाए परिवार भरण पोषण अच्छी तरह से हमें चले यही तो चाहते हैं धर्म अर्थ काम बाहर में हमारे अनेक हृदय में अनेक प्रकार के काम वासना आधार अनेक रूप की संसार की कामना वासना आदि रहते हैं इसलिए लोग अनेकों देव देवता की पूजा आदि करते हैं कोई कार्य करते हैं कोई शिष्य करते हैं काम सृष्टि तक कहना प्रवर्तनते अन्य देवता पिता भगवान भी करते लोग काम के द्वारा कुछ कुछ भोग करके दूसरे दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं तुम जानते नहीं उनके मंगल और मंगल कैसे ये बहुत अनुचित इस धर्म से कामों के लिए लोग चाहते हैं तो फिर इसके आगे जाकर कोई भी व्यक्ति जो है वो मुक्ति के लिए प्रयास करता है मुक्ति क्या है मोक्ष कहा जाता है मुक्ति बा मोक्ष कहा जाता है मुक्ति के अनेक प्रकार के हमारे आचार्य पाद ने व्याख्या दी थी सहज आतंतिक दुख निवृत्ति एक ही मुक्ति आतंतिक दुख जो संसार में जो दुख हो रहे हैं उस दुख से हमें छुटकारा मिले मुक्ति तो सभी चाहते हैं केवल मुक्ति नहीं चाहते आप चाहिए थोड़ा सा बड़ा कुर्सी हो जाए छपना शुरू कर दे एक चिट्ठी भी काट दे हम लोग मुक्ति चाहते हैं आप सुन की
सिवत्स जो चिन्ह बिल्कुल लांछित चिन्ह और जब बार एक सन रेखा की जाते हैं वहीं पर वो जो वस्तु को हाथ करना चाहता है। बाकी सब चार शुभ चक्र कदा प्रभु भगवान के बहुत ही सुंदर रूप मास रूप और स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। इसके स्वरूप मुक्ति का भगवान शुभ के रूप वहीं पर वैद्युति माला नहीं होता है भक्त के लिए वो सब नहीं होता है। बाकी तो सब भगवान के संत चक्र वो भी संत चक्र कदा प्रभु धारण कर सकते हैं और साथ ही तो ये समस्त जो है आचार्य पाद जो है वर्णन करते जा रहे हैं कितने भगवान की सुंदर रूप मिलता है। इसे कहते हैं मोक्ष अवधि। प्रत्येक रूप हमारे टीकाकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती की बात सुंदर रूप में वर्णन करते जा रहे हैं। वैकुंठ में हुई दो प्रकार की मुख्य सुख ऐश्वर्य प्रेम सेवा और प्रेम सेवा उत्तरा सुखोष्ट उत्तरा को त्याग देते हैं केवल प्रेम सेवा उत्तरा के को ग्रहण करते हैं। जैसे हनुमान आदि के कथा हम लोग श्रवण करते हैं जब राम लोक में हनुमान जी के कैसे प्रेम सेवा आदि में द्वारा वो सेवा आदि करते हैं। किंतु यहाँ पर सत्यव्रतों मणि कहे प्रभु मुझे भी ऐसी भी नहीं चाहिए वैकुंठ की किसी प्रकार की मुक्ति भी नहीं मुक्ति की ये चार प्रकार की मुक्ति तो मुझे वो भी नहीं चाहिए। कहते क्या न तो अन्नम और क्या पर अन्न कोई मुक्ति भी नहीं और अन्न किसी प्रकार भी वस्तु भी मुझे चीज है। अतः वैकुंठ में श्रवण कीर्तन आदि जो मंगला भक्ति कहते हैं वो भी मुझे नहीं चाहिए। बड़े आश्चर्य की बात है जहां पर श्रीमद् भागवत में प्रभात चरित्र में वर्णन होते जा रहे श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्जुन बंदन दस सत्सत्परिवेदनम इति पुंसार्थिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणम। प्रहलाद महाराज जी कहे भक्ति के वास्तविक में नौ प्रकार की जो गुण श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्जुन बंदन दस सत्सत्व आत्मनिवेदनम और एक एक भक्त एक एक अंग के पालन करके भगवान की प्राप्ति श्रवण कोई की कीर्तन कोई आसन और सुखदेव को सम कीर्तन श्रवण कीर्तन स्मरण प्रभाव ये नौविधा भक्ति पालन करके वे लोग हैं। किंतु अम्बरीश महाराज एक ही सत्य नौविधा भक्ति पालन कर भगवान एक अंग साधित साधे भगवंग कोई एक अंग साधन करते हैं कोई बहुत अंग साधन कर लेते हैं और भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। जिसे कहते एक अंग साधे का साधे भूकंग निष्ठा हुई देखो को जो है प्रेमी रो तरंग किंतु निष्ठा ही प्रेम की तरंग बहते आइए कथा में वैकुंठ की जो नौमिला भक्ति वो भी मुझे नहीं चाहिए जहां पर श्रवण कीर्तन किंतु एक व्यक्ति पर श्रवण कीर्तन भक्ति नहीं है कथा सुनने से भक्ति नहीं होती है। यह पर आश्चर्य की बात है उल्टी बात बोल रही जिस श्रवण कीर्तन स्मरण ये तो भक्ति है मतलब भक्ति जिसे कहा जाता है साक्षात भक्ति कहा जाता है श्रवण कीर्तन आरोपित संपित सरोपित भक्ति श्रवण कीर्तन आदि के सरोपित भक्ति कहा जाता है और आप महाराज कर श्रवण कीर्तन आदि भक्ति नहीं है पर नहीं भक्ति नहीं है कि भागवत की टीका में आए बोले क्या बोले इसी में कहा है श्रवण कीर्तन तब होती जब कहते श्रवण कीर्तन विष्णु से पाद इति पुंसा अर्पिता विष्णु जब जी संपूर्ण रूप से भगवान गुरु और भगवान में अर्पित कर देते तब भक्ति होती है। अर्थात जब तक गुरुकरण नहीं हो रहे भगवान में अर्पण समर्पण संग्राम की नहीं हो रहे उस समय तक उनके श्रवण कीर्तन आदि भक्ति का अंग नहीं भगवान में अर्पित नहीं है
भक्ति नहीं। हाँ कहा जाते हैं भगवान भक्ति का भाषा भाष में बोल सकता है, लेकिन भक्ति नहीं हो। इसलिए तो बताए आदो गुरु पदाश्रय इच्छा शिक्षा विश्रम मेरो गुरु सेवा इसलिए कह रहे आदो गुरु पदाश्रय। इसके बाद इच्छा शिक्षा विश्रम भेदों गुरु सेवा भक्ति के 64 प्रकार अंग की कैसे हम लोग जन्म का है। इसके बाद है भगवान की उपस्थित हो जाए तब सबसे कीर्तन भक्ति। ये यहाँ पर सबसे प्रथम मुनि कह रहे ये मुझे तो वो लोग बिना भक्ति के वही कुंड के भक्ति उचित मुलाज भक्ति मुझे नहीं चाहिए क्या चाहिए तुम्हें बताए। ये गंगा के पपुर नाम से भोपाल मानो उंगली निर्देश करते स्वयं सबसे प्रथम मुनि अपने साक्षात ध्यान नेत्र में जैसे दर्शन कर रहे हैं उसी गोपाल को दर्शन कर रहे हैं जिस गोपाल को मां यशोदा ने बांध दिया और आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित हो रही उसी गोपाल को दर्शन करके पाने इसी को नहीं इसी गोपाल को इसी गोपाल को मुक्ति मेरे हृदय में सदा सर्वदा मास्ता मेरे मन में जो है केवल यही भाव उदित होते रहे जिसको बाल गोपाल कैसे सुंदर जो रूप गोपाल को मां यशोदा ने बांध दिया जिस कथा को हम लोग को पहली कोशिश रूप में श्रवण किया था फिर भगवान को बांध सकते हैं उसी के पास मतलब कृपा शक्ति स्वयं बांध जहां पर स्वयं भगवान ही बांध गए अथवा अपने कृपा शक्ति ही सब कुछ बांध सकते हैं भगवान के अनंत शक्ति में सर्वोपरि जो है एक कृपा शक्ति कहा जाता है जिसको अंतरंग शक्ति अनेक नाम में परिचित है। ये कृपा शक्ति ही से कुछ करते हैं भगवान की कृपा गुरु वैष्णव की भगवत के गुरु वैष्णव की कृपा ही हमारे के पवित्र जो लक्ष्य है। इस कृपा भी तीन प्रकार के आ जाते हैं कृपा ऐसे नहीं हो जाते तो ये कृपा होता है तीन प्रकार की जिसे हमारे श्लोक और हार्दिक बाजी आलोचना तीन प्रकार की कृपा बता रहे हैं। हार्दिक हृदय से अपने को अर्पित कर देते हैं जब शिष्य गुरु और भगवान के चरण चरण में अपने आप समर्पित हो जाते हैं भगवान उनके हृदय में सारे तत्व दर्शन प्रसमान अपने आप प्रकाश कर देते हैं। हार्दिक बाचिक केवल वाक्यों के द्वारा तुम्हें हृदय में कृष्ण भक्ति वचन के द्वारा हार्दिक बाचिक और अलगदान केवल दृष्टि देकर के ही बस दर्शन से ही भक्त हो उनकी संग
आदि से तब ये सुस्त जो है ब्रज के भाव माधुर्य उदित होता है। कृष्ण भक्ति रस भाव इन मुक्ति प्रियता यदि कुतो भी लपदे सत्रापि रोग मूलम जन्म को स्थान करते प्राण संवाद की बनो होते हैं। ऐसे ब्रजल से भक्त के संग जब तक नहीं हो ये सुस्त ब्रज माधुर्य आदि इसके तात्पर्य ये हम कौन हो रहे हैं हम लोग उसी प्रकार ब्रजरसिक भक्त के संग उनके मुखार से करते हैं। स्पष्ट रूप में रघुनाथ दास जी से पाद वंदन करते हैं। यदि किसी को यदि ऐसे माधुर्य भाव प्राप्ति करना है केवल उनके तीन नियम के पालन करने चार नियम में कहते राहुल जी चरण में अपने को समर्पित कर अनारद्ध राधा पदम भुजरे अनासित बिंदा पटवी तत्पदांग असंभाव्य तद्भाव गंभीर चित्तं कुतस्यम सिंधु रसिकावता। किसी श्याम सिंधु यानी सिंगार में किसी को प्रवेश करना हो तो तीन नियम बताए हैं। साधन के चरण कमल एकांतिक की अत्यंतिक निष्ठा राधे के अत्यंत की निष्ठा होनी चाहिए। राधा की निष्ठा के बगैर पता राधे के चरण कमल के अत्यंत की निष्ठा हो और ब्रज में तिष्ठन रजे इस ब्रज में ही रहना पड़ेगा। ब्रज के बाहर नहीं तिष्ठन रजे तदान रागी जनान गामी ताल में जौन सुनी तब बहुत लोग ने तो है कोई तो हो गया और फिर सीखा क्या है रसिक भक्त के संग ब्रजरसिक है माधुर्य रस राधे के रंग के द्वारा जिसके चित्त रंगी रंजित हो गए और उनके संग उनके खारविंद से यदि यीशु तक कथा के हम लोग श्रवण करें तो यीशु का भाव हमारे हृदय में संसार के अभी अभी आपने श्रवण किया हम लोगों ने पूज्यपाद महाराज जी ने बताया एक समय की बात है। परम पूज्यपाद जनार्दन महाराज जी जब पहले आते थे और भाषण देते थे वे कहते थे कि जीवन में एक ही चीज चाहिए ब्रजरस रसिकाया ब्रजरस रसी ऐसे जो भक्त जन उनके चौरों में अनुराग निष्ठा हो भावना हो। अभी हमारे श्री ब्रह्म महाराज जी ने व्यक्त किया है कि ब्रजरस रसिक भक्तों के चौरों में होगा कि ब्रज की कथा सुनेंगे ब्रज भाव आएगा और कुछ दूसरी बात मुक्ति की कथा सुनेंगे मुक्ति आएगा ब्रह्म भाव की कथा सुनेंगे तो ब्रह्म भाव मिलेगा पर ब्रज भाव तो नहीं मिल सकता। इसलिए सत्य ब्रज मुनि ने कहा मुझे मुक्ति नहीं चाहिए भले ही संसार की बात गुरु जी कहते हैं भले ही संसार की बात आ जाए धर्म अर्थ काम इन त्रिवर्ग में कहीं आसक्ति हो जाए और अनुराग रह जाए तो भी निकल जाएंगे इससे और भक्ति करते करते थोड़ी सी कोई इच्छा विलासा रह जाती है कोई बात नहीं परंतु तो मुक्ति का नाम तो कभी नहीं सुने मुक्ति व्यर्था न सुनो मुक्ति बागिनी उसका नाम तो कभी सुनेगी वैष्णवों को इससे एलर्जी है मुक्ति से इसलिए मुक्ति का नाम नहीं लेते हैं और जितने भी संप्रदाय बिना मुक्ति से मुक्ति के बात ही नहीं रहेंगे बोले मुक्ति के बिना क्या है मुक्ति चाहिए और गौड़ीय वैष्णव बोल रहे हैं नहीं नहीं मुक्ति की मुक्ति का नाम मत बात मत सुनो हमें क्या चाहिए कृष्ण के राधा जी के चरणों में आनंद भाव आनंद प्रेम हो यही हमें चाहिए और कुछ नहीं। अभी अभी हम लोग थोड़ी देर में ही आज यहाँ पर कोई ब्रेकफास्ट प्रसाद नहीं है आज जो ब्रेकफास्ट प्रसाद है कविता के घर में जो कि हमारे श्री मधुसूदन महाराज उनके आश्रम में ही वहीं पर प्रसाद मिलेगा इसलिए हम लोगों को यहाँ से अभी जाना पड़ेगा श्याम सुंदर मंदिर में श्याम सुंदर जी का दर्शन करते हुए बनकर वो करके सीधा उनके आश्रम में सभी लोग जानते हैं और सभी लोग लाइन से नीचे
चले गए अभी और वहां जाकर के हम लोग जब प्रसाद लेंगे आपने सकले श्रेष्ठ प्रसाद वही खाने निभो ये मधुसूदन महाराज ने रूप सनातन मठ का थे रास्ता है श्याम सुंदर दर्शन राधा श्याम सुंदर एवं पंडित दर्शन तो और इंग्लिश में और इंग्लिश में बोलो।